हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मेकनोविज। इस पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम करें और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव सब्सक्राइबर काउंट दिखा सकें डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के, जैसे कि प्यूडीपाई और टी सीरीज के, कि उनके कितने सब्सक्राइबर एट द मोमेंट हुए हैं, ताकि आप उनको अपने यूट्यूब चैनल के स्क्रीन पर दिखा सकें और अपने सब्सक्राइबर्स और जो आपके फॉलोअर्स हैं आप उन तक डायरेक्टली ये पहुंचा सके कि आप कौन आगे चल रहा है और उनके बीच में कितना गैप चल रहा है। YouTube पे लाइव जाने के लिए सबसे पहले आपके YouTube चैनल का वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से अपने YouTube चैनल को खोलें और क्रिएट अ वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से गो लाइव के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसके बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से आपको गेट स्टार्टेड चूज़ करना है और आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ से दो ऑप्शन में से कोई भी चूज़ करना है जो आपके लिए सूटेबल हो, कॉल मी या टेक्स्ट मी। आप इसके अंदर कोई भी चूज़ करेंगे तो आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, उसको सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक वेरीफिकेशन कोड आएगा जिसको डालने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। YouTube के पॉलिसी है कि वो 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई करके देंगे, यानी कि अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो कल इसी वक्त तक आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका होगा, जिसके बाद आप अपने अकाउंट के ऊपर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, आपको चाहिए एक OBS सॉफ्टवेयर, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक एनकोडर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा दिखता है, हम ऐसी स्क्रीन बनाएंगे आपके लिए जो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। स्टार्ट स्ट्रीमिंग का मतलब है कि आप ये स्क्रीन बनाएंगे, अब अगर मैं इसको स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव हो जाएगी। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यूट्यूब पर लाइव जाने के लिए चाहिए, जो कि है OBS ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोलिए और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाइए, obsproject.com, जिसके ऊपर आप विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, तो हम इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसकी OBS प्रोजेक्ट जैसे कि ओपन हो जाएगा तो फर्स्टली इसकी स्क्रीन होगी ऐसी, जिसको मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे इस स्क्रीन में कन्वर्ट करेंगे और इस स्क्रीन के बाद इसको लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन है तो लाइव स्ट्रीम से इसको सीधा डायरेक्ट आप अपने YouTube चैनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपको लाइव स्ट्रीम देना स्टार्ट कर देगा। आपका OBS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर हम अब इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हमारे डेटा को इंक्लूड करते रहेंगे जो हम हमारी ऑफिशियल अकाउंट के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ इस सीन वाले ऑप्शन के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ अब सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करते रहेंगे। जैसा कि मैं सबसे पहले इसके अंदर एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा जो मैं इसके बैकग्राउंड में दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए एक इमेज जो मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई है, आप भी कोई भी इमेज जो अपने बैकग्राउंड में चाहते हैं कि आपको व्यूअर्स को दिखाई दे तो वो आप लगा सकते हैं। तो इमेज को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो आप इस जो भी इमेज फाइल को आप लगाना चाहते हैं उसको ब्राउज करेंगे अपने सिस्टम में से। तो मैं जो ये इमेज लगाना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैं इसको ब्राउज करके आऊँगा। ओके, अब ये इमेज जो है मेरे स्क्रीन के ऊपर पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम इसके अंदर फिल्टर्स का यूज़ करेंगे। फिल्टर्स, यहाँ से हम इसके अंदर फिल्टर ऐड करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो, ओके। अब यहाँ से हम इसके रेजोल्यूशंस को चेंज कर देते हैं 16:9 क्लोज। अब ये हम इसके अंदर मैक्सिममली आ जाएगी, थोड़ा हम इसको और बड़ा कर लेते हैं हमारे रेजोल्यूशन के हिसाब से। तो अब हमारा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, अब हम इसके अंदर और क्या इंक्लूड करना चाहते हैं
हम इसके अंदर प्यूडीपाई के लाइव सब्सक्राइबर्स काउंट ऐड करना चाहते हैं जो कि हमें मिलेंगे ब्राउज़र के ऊपर। तो ब्राउज़र फॉर, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्यूडीपाई, एंटर। अब यहाँ पे आपको यूआरएल के अंदर उस वेबसाइट का नाम डालना है जहाँ से आप उसके सब्सक्राइबर्स के अकाउंट को उठाएंगे। तो चलिए क्रोम के अंदर चलते हैं। इसके लिए हमें गूगल क्रोम में जाना होगा और क्रोम में जाने के बाद हम सर्च करेंगे प्यूडीपाई वर्सेस टीसीरीज, जहाँ की हम उनके रिलेटिवली लाइव सब्सक्राइबर्स देख सकें। तो ये हमारी कुछ वेबसाइट्स दिख रही हैं, सोशल हेड अक्षत मित्तल। तो हम अक्षत मित्तल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज खुल जाता है। हम इस पेज के यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, हमारे ओबीएस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यूआरएल के अंदर। ओके, अब ये पूरा का पूरा पेज हमें यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब हम इस पेज के अंदर फिल्टर्स का यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे सबसे सिर्फ एक ये प्यूडीपाई दिखाई दे हमारे एक कॉलम के अंदर। तो यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेंगे। ओके, यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं लेफ्ट में 8, लेफ्ट में 0, टॉप में से। आप इसको देखते रहिए कैसे हो रहा है ये। टॉप में से कुछ क्रॉप किया, राइट में से क्रॉप किया रहेंगे इसे। हम सिर्फ उतना ही पार्ट रखेंगे जितना कि हम हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। अब हम चाहते हैं कि हमें उस वेबसाइट का सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाई दे, तो इसको क्लोज कर देंगे। हमारे पास सिर्फ बचा ये। हम इस आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली स्मॉल, बिग, लार्ज जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और फिल्टर लगा देते हैं एस्पेक्ट रेशियो का, ताकि ये हमारी जब भी कोई हमारा व्यूअर देखे तो उसको ये फुल स्क्रीन के अंदर दिखाई दे। ओके, यहाँ से हम इसको 16:9 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मोस्ट फेवरेबल है, बहुत लोग इसे ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर की पूरी या मोबाइल की पूरी स्क्रीन को कवर करता है 16:9, इसलिए हम हमेशा इसी का यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर अब एक और ब्राउज़र को ऐड करेंगे जहाँ पे हम टी सीरीज के अकाउंट दिखाएंगे। सेम यूआरएल के ऊपर है वो भी। ओके, इसको इस साइड लगाएंगे और इसके ऊपर अब हम दोबारा से फिल्टर्स का यूज़ करेंगे। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये टी सीरीज का ही दिखाई दे, तो उसके लिए ऐड क्रॉप। ओके, क्रॉपिंग टू द लेफ्ट। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जितना भी आप चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स को दिखाई दे। अननेसेसरी डाटास को हटा दीजिए। आप चाहे तो दोनों को एक में भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही रहता है कि आप दोनों को अलग अलग दिखाइए, क्योंकि आपको बीच में क्या भी दिखाना पड़ता है कि कौन से के सब्सक्राइबर्स कितने ज़्यादा आगे चल रहे हैं। ये हमारा टी सीरीज का भी पूरा हो चुका है, इसको क्लोज करेंगे और इसके अंदर एक और फिल्टर का यूज़ करेंगे। जानते ही एस्पेक्ट रेशियो, इसको 16:9 में चेंज कर लिया जाएगा। क्लोज, और इसको ऐसे लगा दिया जाएगा। अब यहाँ हम बीच में इसको लेके आते हैं और यहाँ पे इसको इन दोनों को सेट करने के बाद हम हमारे सोर्स के अंदर थर्ड ब्राउजर सोर्स को ऐड करेंगे। ब्राउज कैप जिसको हम नाम दे रहे हैं और हमारे
हमारे URL को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ओके, जो कि अभी हमारे लिए खुल रहा है, तो यहाँ से हम इसके ऊपर फिल्टर्स का यूज़ करेंगे। एंड हम इसको क्रॉप करेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ सब्सक्राइबर गैप। यहाँ से क्रॉपिंग टू द लेफ्ट, क्रॉपिंग टू द टॉप, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा सब्सक्राइबर कैप क्लोज। अब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा इसके नीचे आ रहा है, इसके लिए हम इसको ऑर्डर के अंदर कर देंगे मूव अप। तो ये इसके ऊपर आ चुका है और हम यहाँ पे अब जैसे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, टीसीरीज विल प्रिवेल, ऐड टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, टीसीरीज, आप इसको चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कलर जैसे कि मैंने रेड दिया हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पे आ चुका है। आप इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए, इसके अंदर चाहते हैं कि कोई बैकग्राउंड में गाना चले या आपकी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर कोई वीडियो दिखाया जाए, तो उसके लिए आप इसके अंदर मीडिया सोर्स को ऐड करेंगे। मीडिया सोर्स, ऐड मीडिया सोर्स, ओके। उसके लिए हम अपने सिस्टम में से एक फाइल को ब्राउज करेंगे जो कि मैंने गाना लगाया हुआ है, बाय प्यूडीपाई बाय कैरी मिनाटी। ओके, और ये हमारा प्ले होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो आप इसको जैसे मर्जी चाहिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और आपको कुछ चेंजेस अपनी सेटिंग्स में भी करने पड़ेंगे। तो सेटिंग्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है वो आप फेस ना करें, इसके लिए आपको पहले यहाँ से सर्विसेज के अंदर से यूट्यूब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, यूट्यूब, और यहाँ पे आपको अपनी चैनल की स्ट्रीम की डालनी पड़ेंगी। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चैनल के ऊपर क्या है, गो लाइव, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, वेट कीजिए। आजकल नेट बहुत स्लो चल रहा है हमारे यहाँ पे। आप यहाँ पे एनकोडर लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लास्ट में ये कीज मिल जाएगी। मैं इसको रिवील नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको करनी है, क्योंकि कोई भी आपके चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर पाएगा इस की वजह से। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर स्ट्रीम्स के अंदर, स्ट्रीम के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको ओके। देन यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ से आपको कुछ नहीं छेड़ना है। रिकॉर्डिंग, तो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस अपने
सिस्टम के अंदर बचा हुआ है तो आप रिकॉर्डिंग कीजिए, अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग को ऑन ही मत कीजिए। और वीडियो के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर आप इनपुट वीडियो फाइल को बहुत हैवी रखते हैं तो आपकी आउटपुट वीडियो बहुत अटक अटक के चलेगी। आप अपनी इनपुट वीडियो फाइल को कम साइज़ का लेकिन हाई रेजोल्यूशन का रखें और आउटपुट फाइल के लिए 908x512 के रेजोल्यूशन का यूज़ करें, जिससे आपकी वीडियो बहुत कम अटक अटक के चलेगी या बिल्कुल ही नहीं अटकेगी। और एक बार जो आपने मीडिया सोर्स की फाइल्स को इंपोर्ट किया है, ब्राउज़ किया है, उसके ऊपर आप उसको लूप में चला दीजिए, अदरवाइज़ वो आपकी बारी बार रुकती रहेगी। ओके ओके, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आपका नेट चलेगा तब तक ये चलेगी आपकी लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ओके, अब इसके हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर चलते हैं। यहाँ से अब आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना है और आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। यार बहुत दिन हो गए, प्लीज़ लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट।